असम की है शान, गुवाहाटी शहर का नाम। तो आज हम लोग बात करेंगे असम इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में, पूरा कंप्लीट रिव्यू देंगे, क्या प्लेसमेंट रहता है इस कॉलेज पर, कैसे आप इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, पूरा डिटेली प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। सो गाइस, कॉलेज रिव्यू के लिए मैंने एक पीडीएफ बनाया, ठीक है। पीडीएफ बनाने के लिए बहुत ही रिसर्च लगाया, साथ ही मैंने बहुत लोगों से बात किया है, ठीक है। सो कुछ भी फॉल्स इंफॉर्मेशन नहीं होना है, और यूट्यूब में अब तक का ये बेस्ट वीडियो होने वाला है असम इंजीनियरिंग कॉलेज के ऊपर, ठीक है। ना ही आपका ऐसा वीडियो मिलेगा आगे, ना ही अभी तक है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, असम इंजीनियरिंग कॉलेज एस्टैब्लिश्ड इन 1955, इज लोकेटेड इन गुवाहाटी, ठीक है। इट इज द फर्स्ट अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग कॉलेज इन द नॉर्थ ईस्ट। तो पहला इंजीनियरिंग कॉलेज है, ठीक है, इन द नॉर्थ ईस्ट के बारे में बात करें तो हम, और एस्टैब्लिश किया 1955 को, ठीक है। तो अगर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, तो कॉलेज का गाइस जो कैंपस एरिया है वो है गाइस 400 acres का, ठीक है, जहाँ पे आपको वाईफाई, लैब्स, क्लासरूम, स्मार्ट क्लासरूम, हॉस्टल, कैंटीन सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा ठीक ठाक है, ठीक है, लेकिन कॉलेज थोड़ा पुराना है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है थोड़ा खास नहीं है, ठीक है। अगर हम बात करें फीस स्ट्रक्चर के बारे में, तो गाइस अभी गाइस वेबसाइट में दिया गया 11,000 पर एनम, लेकिन गाइस मैंने जो बात किया है तो गाइस 14,000 पर एनम है, ठीक है, अप्रोक्स बात करें, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा ज़्यादा डिटेली करेंगे थोड़ा वीडियो को आगे, ठीक है, कैसा मेस है, कैसा सब कुछ हम लोग डिटेल करेंगे, ठीक है, कितना फीस है सब में पूरा टोटली डिटेल करने के जाना है, ठीक है। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, ठीक है, अगर नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। अगर हम बात करें ब्रांचेस ऑफ इंजीनियरिंग के बारे में, तो गाइस फॉर अंडर ग्रेजुएट, ठीक है, बीए के लिए क्या है कि गाइस सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, टेली कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का, और इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, ठीक है, ये सब कुछ इंजीनियरिंग है फॉर अंडर ग्रेजुएट, ठीक है। अगर हम बात करें पोस्ट ग्रेजुएट के बारे में, तो पहला क्या है, सिविल है, ठीक है, उसके बाद मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर एप्लीकेशंस, ठीक है। अगर हम बात करें सीट मैट्रिक्स के ऊपर, तो गाइस टोटल सीट कितना है, 420 सीट्स है, ठीक है, टोटल सीट असम इंजीनियरिंग कॉलेज का, ठीक है, और उसमें से सिविल इंजीनियरिंग जो है गाइस वो है 90 सीट्स, ठीक है, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का वो है 96, मतलब दोनों का 96 सीट्स, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग और केमिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का जो है, ठीक है, सीट 60 है, वो ईच 60 करके सीट्स है, मैकेनिकल, केमिकल एंड ईटीसी, मतलब इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन। और सीएससी की बात करें तो 20 सीट्स है, और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का भी 20 सीट्स है, एंड इंस्ट्रूमेंटल इंजीनियरिंग का भी गाइस 20 सीट्स है, ठीक है, यह सीट्स के बारे में, ठीक है। सो गाइस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम लोग थोड़ा डिटेली जानने पाए, तो गाइस हम लोग जाना पड़ेगा कॉलेज की वेबसाइट पर, ठीक है, और वेबसाइट में गाइस हम लोग पहले मिलता है गाइस कितना कितना ब्रांचेस है, कितने सीट्स है जो उन्होंने पहले डिस्कस किया है, ठीक है। और एडमिशन रूल के बारे में बात करें, तो गाइस आपको बी प्रोग्राम मतलब बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग में जाना है, तो आपको सबसे पहले गाइस आपको CEE के द्वारा जाना पड़ेगा, ठीक है, जो पहला जो कॉमन चीज़ है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, और दूसरा गाइस लेटरल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ठीक है, ये आप कब कर सकते हो, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 ईयर्स ऑफ पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा, ठीक है, फ्रॉम द स्टेट ऑफ आसाम। अब इसके द्वारा आप डायरेक्टली थर्ड सेमेस्टर में आप डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हो। और हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो सबसे पहले आपको सिटीजन होना पड़ेगा इंडियन का, और परमानेंट रेसिडेंट ऑफ आसाम होना चाहिए, ठीक है। साथ ही में आपका 12th में जो बोर्ड परसेंटेज है वो है 50% फॉर जनरल, 45% फॉर SC एंड 40% फॉर ST, ठीक है, और ऑफ दी सब्जेक्ट ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स इन द सेम सेटिंग, ठीक है। बाकी गाइस आपको जो एज है, एज लिमिट क्या है गाइस, 21 ईयर्स आपको से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और ना ही 17 ईयर्स से कम होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आप एक BSc कैंडिडेट हो, तो आपके लिए 22 ईयर्स तक हाईएस्ट दिया गया है, ठीक है, और अगर आप SC ST से बिलोंग करते हो, तो आपके लिए 3 ईयर्स ऑफ रिलैक्सेशन दिया गया है एज के लिए, ठीक है। बाकी आपका जो कैरेक्टर है, गुड कैरेक्टर होना चाहिए, और बाकी आपको फिजिकली मेंटली फिट होना चाहिए, ठीक है। और लेटरल एंट्री की बात करें, तो गाइस डायरेक्टली आफ्टर 3rd ईयर ऑफ पॉलिटिकल डिप्लोमा आप डायरेक्टली एडमिशन लेते हो थर्ड सेमेस्टर में, ठीक है, सेम रूल है, ठीक है, 50% 45% एंड 40% जो आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है, और फिजिकली एंड मेंटली फिट होना चाहिए, तो ज़्यादा डिटेल नहीं करते, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर आपको पता है, तो ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे, ठीक है। बाकी रिजर्वेशन जो मोर इंपॉर्टेंट है, रिजर्वेशन, ठीक है, रिजर्वेशन बात में बहुत सारा बच्चों को रहता है, कितना सीट्स है, कितना कॉलेज में किस मतलब कितना कास्ट के लिए, मतलब SC के लिए कितना सीट्स है, मतलब OBC के लिए कितना, जनरल के लिए कितना सीट्स है, तो आपको मिल जाएगा इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस जो शेड्यूल कास्ट है, उसके 7% सीट्स जो इंटेक किया गया है, ठीक है, बाकी जो ST प्लेन है उसके लिए 10%, बाकी ST हिल के लिए 5%, और जो OBC के लिए, ठीक है, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए गाइस 15%, बाकी सोन एंड डॉटर ऑफ एक्स सर्विसमैन के लिए 1 सीट दिया गया है, ठीक है, चिल्ड्रेन एंड ग्रैंड चिल्ड्रेन ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स के लिए आपको दिया गया है 1 सीट दिया गया है, ठीक है, बाकी फिजिकली हैंडीकैप के लिए 1 सीट दिया गया है, टी गार्डन लेबर कम्युनिटी के लिए 1 सीट दिया गया है, और बेस्ट कैंडिडेट ऑफ NCC के लिए भी 1 सीट दिया गया है, और स्पोर्टमैन स्पोर्ट वोमेन के लिए भी 1 सीट दिया गया है कॉलेज के लिए। तो अगर आप इस कैटेगरी में बिलोंग करते हो, ठीक है, जो मैंने आपको ब्लू हाईलाइट में दिखा रहा है,
तो अगर आपका इस कैटेगरी में बिलोंग करते हो तो आपको अगर कम मार्क्स भी मिले तो आपको जो है सीट मिल जाएगा आसाम इंजीनियरिंग कॉलेज पे, ठीक है। सो हाउ टू अप्लाई पता है आपको, इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है, हाउ टू अप्लाई। बाकी फीस स्ट्रक्चर में बात करें तो गाइस, ठीक है, इधर पे जो वेबसाइट में दिया गया गाइस 11,000, ठीक है, बाकी गाइस 2,000 आपका जो एडमिशन फीस है, बाकी गाइस मिसलिनियस जो यूनियन है, फेस्टिवल है, मैगजीन है, सब कुछ जो आप देख सकते हो, जो जो भी है, इंटरनेट, TNPCL, लाइब्रेरी, मेडिकल के लिए गाइस 9,000 के अराउंड आपको देना पड़ेगा। बाकी गाइस यही सब कुछ है। अगर आप हॉस्टल और सो अगर आप हॉस्टल में जाना चाहते हो तो आपको फॉर सिक्योरिटी मनी एंड सीट रेंट का आपको 8,000 अप्रोक्स देना पड़ेगा, ठीक है, आपको प्रिंसिपल ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल में देना पड़ेगा, ठीक है। बाकी और कुछ भी नहीं है, तो चलिए PDF की तरफ। तो प्लेसमेंट के बारे में बात करें तो गाइस प्लेसमेंट जो है गाइस इस कॉलेज का ना ही उतना अच्छा है ना ही वो बहुत ही खराब है, ठीक है। PSUs भी आते हैं, सो 30-40% लोगों को गाइस जो प्लेसमेंट मिल सकते हैं, ठीक है। सो प्लेसमेंट जो सबसे अच्छा ब्रांचेस में वो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर केमिकल इंजीनियरिंग एंड सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है। सो इस कॉलेज में गाइस जो CSE डिपार्टमेंट है गाइस उसमें से प्लेसमेंट बहुत मतलब उतना अच्छा नहीं है, ठीक है। जोरहाट का जो कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट है उसमें जो प्लेसमेंट अच्छा है, ठीक है। बाकी बात करें हॉस्टल फैसिलिटीज़ के बारे में तो गाइस आपका टोटल एस्ट हॉस्टल है, ठीक है, जो हॉस्टल फीस है गाइस 2,000 पर मंथ है, ठीक है, मतलब अप्रोक्स बात करो, ठीक है, 2,000 पर मंथ है, ठीक है। जब आपको वाईफाई, ड्रिंकिंग वाटर, कैंटीन, गुड नेट फैसिलिटीज सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। बाकी देखिए अभी हम लोग बात करें मेन इंपॉर्टेंट सबके लिए जो वीडियो के लिए आप लोग वेट करते हो, ठीक है, क्या है गाइस सेफ रैंक एंड सेफ मार्क्स, ठीक है। देखिए जो आपके कॉलेज में एडमिशन होता है गाइस फॉर जनरल के बारे में बात करो, ठीक है, फॉर जनरल गाइस वो है अंडर 500 रैंक्स अगर आपका आया तभी इस कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हो, मतलब तभी नहीं चांसेस हैं, ठीक है, कुछ श्योर है कि अगर आपका 500 रैंक में हो गया तभी आपको चांस मिल जाएगा, ठीक है। बाकी तो गाइस बहुत लोग कहते हैं कि गाइस 200 मार्क्स मिलने से आपको डेफिनेटली AC में मिलेगा, तो ऐसा कुछ भी बात नहीं है, ठीक है। मान लेते कि आपको जो है CEE इस साल के लिए आपका मार्क्स आया 200, ठीक है, बाकी मान लेते 15,000 कैंडिडेट्स इस बार एग्जाम दिया है, ठीक है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, श्योर डेटा नहीं है, जैसे 500 स्टूडेंट को दो मतलब 200 से ज़्यादा मार्क्स मिला है तो आपका रैंक क्या आएगा, नहीं आपका अंडर 500 रैंक नहीं आएगा ना, आपको बाहर में आएगा, तो तब तो आपको एडमिशन मिलने के चांसेस बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। फॉर जनरल के बारे में बात कर रहा हूँ तो बेसिकली जो सेफ मार्क्स माना जाता है, ठीक है, हर साल के लिए जो एवरेज मार्क्स अगर 160 मार्क्स आया तो आप जो निश्चिंत होकर आपको इस तरह में मतलब इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। 160 मार्क्स के ऊपर आया तो आप किसी भी ब्रांच में किसी भी ब्रांच में बात करो, ठीक है, तो आपको एडमिशन मिलने के चांसेस है। बाकी गाइस अगर हम ब्रांच वाइज की बात करें तो फॉर जनरल के बारे में तो गाइस जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के बारे में तो हम बात करते हैं, आपको 250 प्लस मार्क्स अगर मिलेगा तभी आपको जो इस कॉलेज में मिलने के चांसेस है, ठीक है, इससे कम से भी होता है, लेकिन गाइस अगर आपका 250 मार्क्स मिला तभी आपको जो है मिलना चांसेस है। और मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बात करें तो गाइस 200 मार्क्स जो है आपको मिलना ही चाहिए, बाकी गाइस सिविल के लिए 180 मार्क्स जो मिनिमम, ठीक है, देखिए मिनिमम बात करो, ठीक है, जैसे कि लास्ट ईयर गाइस एक लड़का को मेरे इधर पे है 125 मार्क्स मिला था, ठीक है, उसको भी मिल गया था चांसेस, ठीक है, थर्ड काउंसलिंग में, ठीक है, और जो नीचे के बारे से मिला था, ठीक है, लेकिन मिल गया था, लेकिन आप लोग मन छोटा मत करिए, आपको मिलना चाहिए, चांसेस तो है, लेकिन ठीक है कॉलेज मिलने के लक है, ठीक है, लक अगर आपका अच्छा हो तो आपको डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है। बाकी गाइस केमिकल के लिए 160 मार्क्स चाहिए आपको, ठीक है। और मेजर इवेंट क्या होता है, मेजर इवेंट क्या होता है, कॉलेज वीक होता है, ठीक है, इन द बिगिनिंग ऑफ जर्नी, ठीक है, फिर द पायरोकाइनेसिस और जी उद्भवनम, ठीक है, ये तीन मेजर इवेंट होता है इस कॉलेज में, ठीक है। बाकी यही था आज का जो रिव्यू था कॉलेज का, ठीक है। अच्छा एक बात है कि अगर आपका प्लेसमेंट के बारे में और भी कुछ जानना है, ठीक है, अगर आपका प्लेसमेंट के बारे में और भी कुछ जानना है तो आप इसका जो फेसबुक पेज है TNPCL के ऊपर जाके आप देख सकते हो कौन सा कंपनीज आके इस कॉलेज में आके जो प्लेसमेंट लेता है, ठीक है। बेसिकली जो 10% स्टूडेंट, ठीक है, 10% स्टूडेंट के लिए को 10% लिख लेता हूँ, 10% स्टूडेंट को, ठीक है गाइस, ठीक है, मेरे पास जो पेन नहीं है लिखने का, मैं माउस से लिख रहा हूँ, तो 10% स्टूडेंट को जो है PUC मिल जाता है, ठीक है, इस कॉलेज में से, मतलब कि 420 सीट्स है, तो सो आप मान सकते हो कि मतलब 40-50 लोगों को ही जो PSU में मिलना चाहिए चांसेस है, बहुत ही कम है, ठीक है, 40-50 को ही चांस मिलता है, इससे भी कम होता है, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है, और गाइस इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, जितना आप शेयर करेंगे उतना मुझे अच्छा होगा, ठीक है, तो शेयर कीजिए मुझे गाइस इस वीडियो में मतलब 100 लाइक्स अभी चाहिए, ठीक है, मतलब विद इन 2 डेज में 100 लाइक्स चाहिए तभी मैं आपका जो जोरहाट इंजीनियरिंग कॉलेज का रिव्यू लाऊंगा, ठीक है ऐसा। सो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।